MiG-21 ने 1956 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। यह उड़ान पूरी तरह से सफल रही और यही वजह थी कि रूस अब MiG-19 को हटाकर उसकी जगह MiG-21 को सेना में शामिल करना चाहता था। इसलिए मिकोयन गुरेविच ने साल 1959 में जोर शोर से MiG-21 विमानों का निर्माण शुरू कर दिया। साल 1960 आते आते पूरी दुनिया इस विमान की दीवानी हो चली थी। मिग उस वक्त के सबसे घातक और तेज विमानों में से एक था। मिडिल ईस्ट के बहुत से देश जैसे मिस्र, सीरिया और इराक इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने लगे। इजराइल के मिराज 3 और F-4 जैसे विमानों को MiG-21 ने धूल चटा दी थी और अब MiG-21 इजराइल के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन गया था। अमेरिका समेत पश्चिम के बहुत से देशों से दुश्मनी के चलते उन्हें रूस से MiG-21 नहीं मिला। ये सारे देश MiG-21 का तोड़ निकालने के लिए छटपटा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी तकनीक है जो MiG-21 को इतना घातक बनाती है। और ऐसे ही एक देश इजराइल की छटपटाहट ने जन्म दिया एक फिल्मी सी लगने वाली कहानी को। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कमान मीर अमित को सौंपी गई थी। वो कई साल इजराइल की फौज में बिताने के बाद मोसाद के चीफ बने थे। उनके अपने अनुभव थे और अपने ही तरीके थे। उन्हें भी पता था कि इजराइल को MiG-21 चाहिए और वो इसके लिए परेशान भी थे। उनके दोस्त थे आइजर वाइजमैन, जो कि उस वक्त इजराइल एयरफोर्स के चीफ थे। एक दिन बातों बातों में मीर अमित ने उनसे कहा, मुझे MiG-21 चाहिए। आइजर वाइजमैन उनकी ये बात सुनकर चौंक गए, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ तो उन्होंने इसके बारे में प्लानिंग शुरू की। ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले भी मोसाद 2 बार MiG-21 को पाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसकी ये दोनों कोशिशें नाकाम रहीं। सबसे पहले मोसाद ने जीन थॉमस को इस ऑपरेशन की कमान सौंपी और उनसे कहा कि वो मिस्र में एक ऐसे पायलट की तलाश करें जो वहाँ से MiG-21 उड़ाकर इजराइल पहुँचा दे। और ऐसा करने के लिए इजराइल ने पायलट को $10,00,000 देने तक की बात की, लेकिन जीन थॉमस ऐसा नहीं कर सके और मिस्र के अधिकारियों के सामने उनके ऑपरेशन की पोल भी खुल गई। जीन थॉमस को और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1962 में उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मोसाद ने हार नहीं मानी और इराक से MiG-21 लाने की कोशिश की। इराक के पायलटों से विमान लाने के लिए फिर पहले की तरह ही इराकी पायलटों से संपर्क किया गया। उनको भी पहले की तरह ही पैसों का लालच दिया गया। कुछ पायलटों ने तो पहले हामी भरी, लेकिन बाद में किसी डर से मुकर गए। रूस किसी भी कीमत पर इसराइल को MiG-21 नहीं देने वाला था और इसराइल को किसी भी कीमत पर MiG-21 पाना था। साल 1964 में एक यहूदी यूसुफ मोसाद के इजरायली अधिकारियों के संपर्क में आया और उसने अधिकारियों को एक इराकी पायलट के बारे में बताया। इस इराकी पायलट का नाम था मुनीर रेडफा और ये इराक एयरफोर्स के रवैये से खुश नहीं था। लंबे वक्त से उसका प्रमोशन नहीं किया जा रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ईसाई थी और उसे उसके परिवार से अलग भी कर दिया गया था। उसे ये लगने लगा था कि वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन सकेगा। इन सब वजहों के चलते मुनीर इराक को छोड़ना चाहता था और यूसुफ समझ गया था कि मोसाद जो करवाना चाहती है वो बस मुनीर ही कर सकता है। मोसाद की तरफ से एक महिला जासूस को लगाया गया ताकि वो मुनीर से दोस्ती कर सके और फिर उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर उसे यूरोप ले जा सके और इसराइल के जासूसों से मिलवा सके। इस महिला जासूस और उसकी खूबसूरती ने अपना काम कर दिया। मुनीर ने मोसाद के एजेंट से मुलाकात की, उन्होंने उसे इसराइल एयरफोर्स के कमांडर से मिलवाया और यहाँ से शुरू हुई MiG-21 पर कब्जा करने की रणनीति। बहुत सी खुफिया मीटिंग्स के बाद पूरा प्लान तैयार हुआ और एक डील फिक्स हुई। MiG-21 के बदले में मुनीर ने इसराइल से वो सभी चीज़ें मांगी जिनकी उसे ज़रूरत थी। इसमें शामिल थे $10,00,000, इसराइल में जिंदगी भर का रोजगार और उसके परिवार की सुरक्षा। इसराइल की तरफ से हामी भर दी गई और मुनीर ने जिम्मा उठा लिया इराक के MiG-21 को इसराइल तक पहुंचाने का। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन डायमंड और प्लानिंग के हिसाब से काम को शुरू किया गया।
साल था 1966 और तारीख थी 16 अगस्त। हर दिन की तरह यह दिन भी एक आम सा दिन था, लेकिन मुनीर आज MiG-21 लेकर इराक से उड़ान भरा तो फिर इराक में उतरा ही नहीं, वो जॉर्डन के पास पहुंचा तो इराक एयरफोर्स की तरफ से उसे चेतावनी दी गई। उसे कहा गया कि वो इससे आगे ना बढ़े और वापस लौट आए, लेकिन अब लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और सच ये था कि मुनीर को भी रुकना नहीं था, उसने MiG-21 को इजराइल की सीमा में पहुंचा दिया। इजराइल की सीमा में पहुंचते ही यहाँ पहले से तैनात दूसरे फाइटर प्लेन सुरक्षा के लिए उसके पीछे लग गए। मुनीर ने उन्हें अपनी पहचान के लिए सिग्नल दिया और सिग्नल देखकर उन्होंने उसे कवर कर लिया। इसके कुछ ही वक्त बाद इराक का MiG-21 दक्षिणी इजराइल के एयरबेस पर उतर गया। इसके साथ ही दूसरी तरफ मोसाद के कुछ और एजेंट्स छुट्टियां मनाने के बहाने मुनीर के परिवार को इराक से लेकर इजराइल आ गए। बहुत जगह ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जब मुनीर MiG-21 लेकर इजराइल के एयरबेस पर पहुंचा तब उसमें बस कुछ आखिरी बूंद ही ईंधन बचा था। इराक को जब ये पूरा खेल समझ में आया तब उसने रूस को MiG-21 के चोरी होने की जानकारी दी। इराकी और रशियन अथॉरिटीज ने इसराइल से MiG-21 वापस करने को कहा, लेकिन जाहिर है अगर वापस ही करना होता तो इसराइल इतना बड़ा कदम उठाता ही नहीं। करीब 3 सालों की मेहनत के बाद ऑपरेशन डायमंड सफल हो चुका था और अब इसराइल के पास MiG-21 पहुंच चुका था। यह ऑपरेशन बहुत कठिन और चालाकी भरा रहा, इसलिए इस MiG-21 को इसराइल की तरफ से एक नया नाम दिया गया, 007, जो कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म से लिया गया था। इसराइल ने इस MiG-21 की जाँच शुरू कर दी। वहाँ के तकनीकी जानकारों को इसकी बारीकियों को स्टडी करने का काम सौंप दिया गया। उन्होंने ये कंपैरिजन किया कि MiG-21 के पास मौजूद फाइटर प्लेन्स से किस तरह से अलग हैं। सभी जांच हो जाने के बाद शपिरा ने इस विमान को इजरायली वायुसेना में शामिल विमानों से भी मापा। शपिरा ये जानना चाहते थे कि आखिर MiG-21 विमान किन बातों में यहाँ की वायुसेना में शामिल विमानों से अलग है। यही नहीं, इसराइल के पायलटों को भी इस विमान को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई ताकि भविष्य में अगर कभी इस विमान को चलाने की बात सामने आए तो वायुसेना के पायलट पूरी तरह से तैनात रहे। और फिर 1967 की लड़ाई में इसराइल को MiG-21 का फायदा भी मिला। इसराइल ने जब गोलन की पहाड़ियों पर सीरिया से जंग लड़ी तब इस MiG-21 ने अपनी ताकत दिखाई। इस लड़ाई में इसराइल ने इसी एक MiG-21 की मदद से सीरिया के कई MiG-21 मार गिराए। साल 1967 से 1973 तक इसराइल और अरब के बीच चली लड़ाई में MiG-21 ने इसराइल को जीत दिलाई। इसराइल ने जनवरी 1968 में यह MiG-21 यूनाइटेड स्टेट को उधार दिया और अमेरिका ने बदले में ये इसराइल को दिया F-4 फैंटम। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने यही विमान इसराइल को देने से मना कर दिया था। MiG-21 आज तक दुनिया के बहुत से देशों की सेनाओं में शामिल है। भारत ने खुद MiG-21 की मदद से पाकिस्तान को धूल चटाई है। अभी हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन ने भी मिग से जो कारनामा किया वो तो आपको पता ही होगा। इन सब से समझ में आता है कि आखिर इसराइल MiG-21 को पाने के लिए इस हद तक क्यों गया। ये मोसाद की कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि खुफिया एजेंसी किस तरीके से काम करती हैं, वो किस हद तक जाकर के ऑपरेशंस को ऑपरेट करती हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए किस हद तक वो अपनी कुर्बानियाँ देती हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। ये मोसाद की कहानी थी। हम कोशिश करेंगे आपके सामने कुछ और कहानियों के साथ जिनमें रॉ और बाकी देशों की खुफिया एजेंसियों की कहानियाँ होंगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।